हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज हम क्वेश्चन करेंगे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, आपको सिंपली क्वेश्चन भी आ सकता है डिफाइन या एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, या फिर क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व सेवरल इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन। ठीक है, इस तरह से भी घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ सकता है। बात यह है कि आपने इस क्वेश्चन को समझ के अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, अब इसमें क्या बताया गया है कि क्या प्रोसेस है सिलेक्शन स्टाफिंग का। ठीक है, कैसे स्टाफिंग होती है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि स्टाफिंग में क्या होता है कि वी आर जस्ट प्लानिंग फॉर द इम्प्लॉयज़। ठीक है, इम्प्लॉयज़ के बारे में हम प्लान करते हैं कि किस तरीके से उनको, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वेकेंट जॉब्स हैं, ठीक है, तो उनको कैसे फिल करना है विद द राइट पर्सन। ठीक है, एंड देन क्या है आगे कि राइट टाइम पे हमने क्या करना है, अपनी उस पर्टिकुलर वैकेंसी को फिलअप करना है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के प्रीडिटरमाइंड गोल्स को अचीव किया जाए। अब ये सारी चीज़ें हम इसमें हमने पढ़ी थी, तो अब ये क्या है कि सभी की सभी जो भी एक्टिविटीज़ हैं रिलेटेड टू द इम्प्लॉयज़, ठीक है, वो स्टेप बाई स्टेप कैसे फॉलो होती हैं और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनमें इम्प्लॉयज़ के बारे में बताया गया है या उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में, और ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट द्वारा क्या करना चाहिए। ठीक है, तो स्टाफिंग में ये नंबर ऑफ स्टेप्स है। ठीक है, वन बाय वन क्या है इनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट है मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब मैन पावर रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे, कि यहाँ पे सर्च करनी है कि कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स या कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमें अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए चाहिए। ठीक है, सपोज़ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, उसमें अगर 10 बंदे काम करने के लिए चाहिए, ठीक है, तो हम क्या है सर्च करेंगे। ठीक है, एस्टिमेट लगाएंगे, पहले एनालाइज़ करेंगे उस पर्टिकुलर वेकेंट जॉब्स को, देन उसके बाद एप्रोप्रिएट कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू द वेकेंट वैकेंसीज हम उनको फाइंड करेंगे। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट में बेसिकली क्या आएगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब कि जो भी पर्टिकुलर टास्क है ऑर्गेनाइजेशन का या एक डिपार्टमेंट का, उसको परफॉर्म करने के लिए, उस टास्क को पूरा करने के लिए, उस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की ज़रूरत है। ठीक है, तो कितनी रिक्वायरमेंट है वो हम फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें देखेंगे, मैन पावर प्लानिंग में। ठीक है, तो उसमें क्या है कि कौन सी स्किल चाहिए, ठीक है, कैपेबिलिटी, ठीक है, कितनी जो है एजुकेशन होनी चाहिए, ये सभी मैटर्स के ऊपर यहाँ पे जो है प्लानिंग करी जाती है। ये रिक्वायरमेंट भी चेक करी जाती है, ठीक है, कि कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हम इनवाइट करते हैं कैंडिडेट्स को, ठीक है, उनके रिज्यूमर्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट होती है स्टाफ की या एम्प्लॉयज़ की, तो देन क्या है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अदर मीडिया हम क्या है एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए रेडी हैं, कैपेबल हैं, स्किलफुल हैं, एंड उनकी एजुकेशन भी अकॉर्डिंग टू दी वेकेंट वैकेंसीज हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे रिज्यूमर्स दे देते हैं या फॉर्म फिल कर देते हैं, तो देन क्या है ये रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, जिसमें क्या है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को इन्वाइट किया जाता है या उनके जो रिज्यूमेज हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है जी, उसके बाद आगे प्रोसेस आता है सिलेक्शन का। लेकिन रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो सोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हैं। सपोज़ अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमने जैसे वेकेंट जॉब्स हैं तो पर्सन रखने हैं, तो हम क्या करते हैं सम टाइम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही बता देते हैं। एंड अगर क्या है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, अगर उनके रेफरेंस में कोई है तो देन वो जो है बता सकते हैं। अदरवाइज़ एक्सटर्नल सोर्सेज कौन से होते हैं, ठीक है, वो सोर्सेज जैसे हम फेसबुक, ठीक है, आप सबको पता ही है, ठीक है, या हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी है, ठीक है, अगर प्रिंट मीडिया है जैसे न्यूज़पेपर्स हैं या पैम्फलेट्स हैं, हम इनके थ्रू एडवर्टाइजमेंट करते हैं एंड देन क्या है कैंडिडेट्स को मोटिवेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो है आने के लिए और उनको जो है ऑर्गेनाइजेशन में अपने रिज्यूमे सबमिट करने के लिए। ठीक है, ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। उसके बाद आता है सिलेक्शन। ठीक, देन आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, जो एप्रोप्रिएट कैंडिडेट है उसका जो फिज़िकल टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, रिटन टेस्ट है, ठीक है, इंटरव्यूज़ होती हैं, तो ये सारे के सारे जो भी पैरामीटर्स हैं इनको जो है प्रॉपरली
डन किया जाता है, देन उसके बाद जो सही कैंडिडेट है अकॉर्डिंग टू द जॉब मीन्स राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब अगर आपको मिल जाता है तो देन हम क्या करते हैं उस पर्सन को अपॉइंट कर लेते हैं एज अ एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सिलेक्शन का ये प्रोसेस होता है। ठीक, उसके बाद एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि जो रिक्रूटमेंट होता है वो क्या है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है कैंडिडेट्स के ऊपर। सिलेक्शन में समटाइम क्या होता है, डीमोटिवेशन आ जाती है उन लोगों के लिए जो सिलेक्ट नहीं हो पाते ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, एंड दूसरी बात और कि रिक्रूटमेंट में ये होता है बेसिकली कि हम अगर तो इंटरनल सोर्स यूज़ करते हैं, मतलब अपने एम्प्लॉयज़, ठीक है, उनको हम बताते हैं कि पर्टिकुलर वेकेंट जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं एंड आप अपने जो भी रेफरेंसेज हैं, ठीक है, रेफरेंसेज ग्रुप में आप मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, तो दूसरा होता है पॉइंट एक्सटर्नल सोर्स से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमें न्यू कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, फ्रेशर्स की ज़रूरत है, न्यू मतलब कमर्स की ज़रूरत है, तो हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ना ट्रांसफ़र करते हैं ना प्रमोशन करके उस पर्टिकुलर वेकेंट जो सीट है उसको फिल करते हैं। हम क्या करते हैं, बाहर से न्यू कैंडिडेट्स जो हैं हम उनको अपॉइंट करते हैं। तो सम टाइम क्या होता है कि जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होते हैं या कहीं ना कहीं उनको ये फीलिंग आती है कि हमें भी उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए कहा जा सकता था या हम भी प्रमोट हो सकते थे या कुछ भी। ठीक है, अगर ऐसे चांसेस हो तो, ठीक है, तो एक्सेप्शनल केसेस में ऐसे होता है। ठीक है, अदरवाइज क्या है कि जो फ्रेशर है या न्यू जनरेशन है उनको अपॉइंट किया जाता है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है न्यू माइंडसेट्स या जो फ्रेश हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो भी रिसेंटली स्टडीज़ करके आए हैं उनको अपॉइंट किया जाता है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है न्यू आइडियाज़ के साथ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो। ठीक, उसके बाद है आगे प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब जब सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जैसे अब मैंने आपको बताया कि रिटन टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, इंटरव्यू राउंड्स, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एम्प्लॉई जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाता है एंड उसको क्या है अपॉइंट किया जाता है और उसको बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर डेट को आपने ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग लेटर उसको दिया जाता है उसी दिन। ठीक है, तो देन उसके बाद क्या है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन फंक्शन जो है वो रखा जाता है एक छोटा सा, ठीक है, जिसमें क्या है कि जो पर्टिकुलर न्यू बंदा ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हुआ है, ठीक है, एज अ एम्प्लॉई, उसको बताया जाता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, कि उसको अवेयर करवाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशंस के बारे में एंड देन ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट्स, ठीक है, कि किस तरीके से वर्क होता है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो भी पर्टिकुलर सीट के लिए उसको अपॉइंट किया गया है वहाँ पे उसके क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, उसको इन चीज़ों के बारे में अवेयर करवाया जाता है सो दैट वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेमिलियर हो जाए एंड देन उसको काम करने में आसानी हो। ठीक है जी, देन उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशंस जो हैं वो न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए भी होते हैं एंड जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी होते हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशंस ज़रूर लगाती है। इससे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्किल्स, उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी अबिलिटीज़ टू परफॉर्म द फंक्शंस वो क्या है अच्छी रहती है एंड देन क्या है उनको न्यू आइडियाज़, न्यू टेक्नोलॉजी अगर कोई आई है अगर उसके बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो देन वो और अच्छे से वर्क करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। अगर मैं न्यू कमर्स की बात करती हूँ तो उनको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है क्योंकि फर्स्टली ही उनको आके ये पता नहीं होता कि किस तरीके से वर्क करना है या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हम ये कह सकते हैं सिस्टम है। ठीक है, उसको समझाने के लिए उसकी एक फ्रेशर ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट करी जाती है, उसको टाइम टू टाइम गाइड किया जाता है कि किस तरीके से वर्क करना है। नो डाउट आपने एक क्वालिफाइड और स्किलफुल पर्सन ही अपॉइंट किया होता है ऑर्गेनाइजेशन में, बट क्या है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना सिस्टम होता है, ठीक है, अपना एक दायरा है, अपनी लिमिट्स होती हैं, अपनी पॉलिसी रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट उसको इन चीज़ों की भी नॉलेज हो, इसीलिए क्या है एक ट्रेनिंग सेशन रखा जाता है। समटाइम ये 15 डेज का भी होता है, 1 मंथ का भी होता है। ठीक है, एंड इट इज़ डिपेंड अपॉन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है अकॉर्डिंग टू दैट ये जो ट्रेनिंग है वो कंडक्ट करी जाती है। ठीक, तो इसमें क्या है कि उसको वर्क के बारे में समझाया जाता है किस तरीके से काम करना है, कैसे टेक्निक
यूज़ करनी है, ठीक है, कौन सा मेथड यूज़ करना है काम करने के लिए, एंड सो मैनी मोर थिंग्स जो उसके लिए न्यू है, ठीक है, इसके बारे में उसको अच्छे से समझाया जाता है। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं तो कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या है उनकी नॉलेज में, ठीक है, उनकी स्किल्स में डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो सम टाइम जो डेवलपमेंट सेशंस हैं उनके, ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन के हम ये कह सकते हैं कि वर्किंग से रिलेटेड, ठीक है, कुछ सेशंस जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं बाय द मैनेजमेंट, सो दैट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वर्किंग में एफिशिएंसी आए प्लस उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो, ठीक। तो ये हमारा पॉइंट जो है ये था रिलेटेड टू द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट है हमारा पॉइंट परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का अब यहाँ पे क्या मतलब है ये आपको इस डायग्राम के थ्रू भी थोड़ा समझ आ गया होगा। अब इसमें क्या होता है कि जब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है, लगातार काम कर रहे हैं, देन क्या है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, जब तक उनको क्या एक टास्क दिया जाता है कि आपने ये पर्टिकुलर वर्क इतने टाइम तक आपने कवर करना है या उसको कंप्लीट करना है, तो देन क्या है आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको इवैल्यूएट किया जाता है। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने परफॉर्मेंस अप्रेजल लिखा है, यहाँ पे आप एज अ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, अप्रेजल या इवैल्यूएशन दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक। तो इसमें क्या है कि उनको जज किया जाता है बाय रिपोर्टिंग, ठीक है, उनकी रिपोर्टिंग ली जाती है जैसे वन मंथ के बाद या वीकली, जैसे भी टास्क उनको दिया जाता है काम करने के लिए, ठीक है। तो उसमें रिपोर्टिंग में देन पता चलता है कि हमारे कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, इफ़ेक्टिवनेस के साथ काम कर रहे हैं, किन की परफॉर्मेंस जो है वो पुअर है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट हर एक बंदे की हर एक लेवल के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जो भी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से परफॉर्मेंस जो है उसको इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ऐसा पॉइंट आता है कि अगर तो एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा वर्क करते हैं तो देन गुड, अगर कुछ मीडियोकर्स हैं या सपोज जिनकी परफॉर्मेंस लो जा रही है, ठीक है, एंड पुअर जा रही है, तो देन क्या है वहाँ पे उनको एक ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है, जिसमें क्या है कि उनको ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस, ठीक है, जो भी टेक्निक्स मेथड्स के बारे में दोबारा से गो थ्रू करवाया जाता है और उनको समझाया जाता है कि काम को कैसे करना है, ठीक है, एक तरह से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है सो दैट जो एम्प्लॉयज़ कहीं पे लैग कर रहे हैं, ठीक है, वो दोबारा से इम्प्रूव करें, राइट। तो ये है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पर ही क्या है प्रमोशन और ट्रांसफ़र्स होती हैं, ठीक है। बेसिकली हम ये कह देते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं या मतलब जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में अपने जो भी टास्क जो उनको गिवन थे उन्होंने बहुत ही एफिशिएंसी के साथ उनको परफॉर्म किया तो देन उनके लिए चांसेस बन जाते हैं प्रमोशन के, ठीक है। एंड इसके साथ ना एक वर्ड और है प्रमोशन एंड डिमोशन, ठीक है। डिमोशन का मतलब होता है डाउन, ठीक, एंड प्रमोशन का मतलब होता है अप, कि मतलब हम क्या करते हैं कैंडिडेट जो बहुत ही एफिशिएंसी के साथ वर्क कर रहा है जिसकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, और मैनेजमेंट क्या करती है उसको प्रमोट करती है टू द नेक्स्ट लेवल, राइट। बट डिमोशन दूसरी साइड डिमोशन है, इसका क्या मतलब है जिनकी परफॉर्मेंस लो है, ठीक है, या पुअर है तो उनको क्या है एक स्टेप नीचे रखा जाता है सो दैट वो क्या है और ज़्यादा इम्प्रूव करें एंड देन आगे बढ़ने की कोशिश करें। आगे आता है हमारा पॉइंट जो है आगे ट्रांसफ़र का। ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सम टाइम क्या है शिफ्ट हो जाता है पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट इसमें कोई प्रमोशन या डिमोशन वाला चांस नहीं होता। ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है कि जो एक्चुअल में फंक्शंस वो अपनी जगह पे बैठ के परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, जो भी उसका फंक्शनल प्लेस है, ठीक है, जैसा वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा था अकॉर्डिंगली ही क्या है कि दूसरे डिपार्टमेंट में सेम वर्क के साथ उसको शिफ्ट किया जाता है समटाइम, ठीक है। तो ट्रांसफ़र इस तरीके से होती है जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में नंबर ऑफ़ ब्रांचेस होती हैं। जैसे सबसे अच्छी एग्जांपल आप बैंक की ले सकते हो, एक टैली कॉलर है अगर होशियारपुर में वो वर्क कर रहा है एज अ टैली कॉलर, मतलब HDFC बैंक है, तो नंबर ऑफ़ HDFC बैंक की ब्रांचेस मतलब बहुत जगह हैं, ठीक है, तो वो किसी भी जगह पे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रांच, ठीक है, वो क्या है उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है। सम टाइम एम्प्लॉयज़ को ही ये चाहिए होता है कि वो अगर सम टाइम उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो सिटी में हो रही है लेकिन वो विलेज से बिलोंग करते हैं तो विलेज के आसपास
कहीं क्या है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है, सो दैट उसको आना जाना वहाँ पे इजी हो, ठीक है। उसका जो वर्किंग प्लेस है, या हम ये कह सकते हैं कि उसका जो रैंक है, जो उसकी पोजीशन है, वो सेम रहती है, लेकिन क्या है, उसका जस्ट एक शिफ्ट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक। वो होती है ट्रांसफ़र। तो बिग ऑर्गेनाइजेशंस या वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस या डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे ये ट्रांसफ़र्स होती हैं, ठीक। उसके बाद आ जाता है पॉइंट कंपनसेशन का, ठीक है। प्रमोशन के बाद आ जाता है कंपनसेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉई जो है वो वर्क करता है किसके लिए, पैसे के लिए, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो कंपनसेशन ये है। कंपनसेशन में क्या है, उसके सैलरी, वेजेस, ठीक है, रेमुनरेशन, इंसेंटिव, बोनसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को रिटेन रखने के लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को अच्छी कंपनसेशन देनी पड़ती है। एंड ये ऑर्गेनाइजेशन का हम ये कह सकते हैं कि जिम्मेवारी भी बनती है कि अगर वो अपने एम्प्लॉयज़, ठीक है, उनको क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन करके रखना चाहते हैं, तो देन क्या है, उनको फेयर रेमुनरेशन, फेयर वेजेस, फेयर कंपनसेशन जो है वो उनको देनी चाहिए, ठीक। सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी अच्छे से वर्क करें। और ये स्टाफिंग का भी मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनसेशन का भी, ठीक है। इससे हम पीछे नहीं भाग सकते, चाहे आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे दो, ठीक है, उसकी प्रमोशन कर दो, लेकिन जब तक उसके हाथ में क्या है, उसकी कमाई नहीं आएगी, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो हर एक बंदा है, अपनी लाइफ को जीने के लिए उसको पैसा चाहिए, ठीक है। तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वर्क कर रहा है, एफिशिएंसी के साथ वर्क कर रहा है, लॉयल्टी के साथ वर्क कर रहा है, तो देन उसको एक अच्छी पे देना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टाफिंग का एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो कंपनसेशन है ना, कंपनसेशन जो है वो आप अपने एम्प्लॉय को अगर फेयरली देते हो, उसके काम के अकॉर्डिंगली पे करते हो, या सपोज़ उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली अगर वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट जितने नंबर ऑफ उसने आवर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं, जितना उसने अपना वैल्यूएबल टाइम ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, अगर ऑर्गेनाइजेशन इक्वल टू दैट उसको पे करती है, तो वो एम्प्लॉय लॉन्ग टाइम के लिए आपकी एज एन ऑर्गेनाइजेशन की एसेट की तरह वर्क करता है, ठीक। एंड ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, उसकी गुडविल के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रखे। नहीं तो जैसे पता ही है कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का खर्चा बहुत होता है, ठीक है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाती है। अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या है कि अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनकी रिक्रूटमेंट करनी है, न्यू कैंडिडेट्स को बुलाना है, तो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना होगा, तो देन क्या है, जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है, उसके लिए भी क्या है, पैसा खर्च होता है, ठीक है। आप वो कैंडिडेट को बुलाते हो, उसको ट्रेनिंग देते हो, ठीक है, एंड सो मैनी मोर थिंग्स, जब उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, ठीक है, उसके बाद उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो देन क्या है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर बार बार चेंज होंगे, ठीक है, मतलब क्या है, उसमें रिटेंशन जो रेट है वो बहुत कम है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या है कि फ्रेशर्स आप ज़्यादा रखते हो, या सम टाइम आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम निकाल दिया, फिर दोबारा से अपॉइंट कर लिए, फिर निकाल दिए पर्सन, फिर दोबारा से अपॉइंट कर लिए, ठीक है। तो इससे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है वो भी डाउन जाती है, ठीक है, किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं बनता, कि मतलब हर एक बंदा ये सोचता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है तो वो काम करने से डरेगा, ठीक है। तो जितने ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, उतना ही अच्छा है, क्योंकि क्या है कि वो फिर उनको पता चल जाता है काम कैसे करना है, वो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बनाए रखते हैं, ठीक है, क्योंकि दे नो क्या रूल है, क्या टेक्निक है, क्या मेथड है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, कैसा वर्क कल्चर है, सबके बारे में वो गो थ्रू हो जाते हैं, एंड देन क्या है, उनको समझ आ जाता है काम कैसे करना है, तो बार बार उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बार बार उन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो क्या है, अपना काम वो खुद अपने सही तरीके से करते हैं, तो मैनेजर्स के ऊपर भी बर्डन नहीं आता, मैनेजमेंट के ऊपर भी बर्डन नहीं आता इस चीज़ का, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर अच्छी कंपनसेशन आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है, या एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रखते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये थे पॉइंट्स हमारे स्टाफिंग के। एक पॉइंट मैं और आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे, सेपरेशन का,
ठीक है, तो स्टाफिंग के साथ ही जुड़ा हुआ है ये पॉइंट हमारा। सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन क्या होता है कि जब एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है, ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी सारी जो है टर्म्स आ जाती हैं, जैसे रिटायरमेंट आ गई, ठीक है, या टर्मिनेशन आ गई, रिट्रेंचमेंट आ गई, ठीक है, या फिर आप क्या करते हो, एम्प्लॉयज़ जो हैं बेसिकली वो क्या है, रिज़ाइन दे देते हैं, ठीक है, क्या आ जाता है यहाँ पे सेपरेशन में, रिटायरमेंट आ जाती है, ठीक है, रिट्रेंचमेंट, रिजाइन, ठीक है, या फिर आ जाता है टर्मिनेशन, ठीक है, रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट, रिजाइन या रेजिग्नेशन यहाँ पे लिख सकते हो, और टर्मिनेशन, ठीक है, ये सेपरेशन के 4 पॉइंट्स हैं और ये भी स्टाफिंग का मेन पार्ट है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या है कि सेपरेशन जो है वो कैसे होती है कि जब एम्प्लॉई जो है वो उसकी रिटायरमेंट एज आ जाती है, आफ्टर रिटायरमेंट एज उसको रिटायर कर दिया जाता है, एक प्रॉपर फंक्शन रखा जाता है कि उसने कितने नंबर ऑफ इयर्स ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं, ठीक है। उसके बाद है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, सम टाइम इकोनॉमिक कंडीशंस बैड होने की वजह से क्या है, सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है, उनमें ताले लग जाते हैं, तो देन उस केस में एम्प्लॉयज़ को काम से निकाल दिया जाता है, या मतलब काम बंद कर दिया जाता है, क्योंकि काम नहीं होता तो एम्प्लॉयज़ भी बैठे फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो उस केस में भी क्या है, एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं, देन रिज़ाइन है अपनी मर्जी से, अपनी विल के साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। देन टर्मिनेशन, अगर एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, या ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो नहीं करते, या उसका जो बिहेवियर है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच नहीं करता, वर्किंग कंडीशंस के साथ मैच नहीं करता, इवन ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के लिए वो सही नहीं है, ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन केस में क्या है कि उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया जाता है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। सो आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे, ठीक है, इसको भी आप ऐड कर लेना यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट सेपरेशन का भी, ठीक है, यहाँ पे एंड होता है आके स्टाफिंग का, ठीक है, कहाँ से शुरू होता है, मैन पावर रिक्वायरमेंट से लेके सेपरेशन तक, ठीक है। सो इन पॉइंट्स को अच्छे से आपने लर्न करना है, आई होप आपको अंडरस्टैंड भी हो गए होंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर देना, देन मैं आपको उसकी क्लैरिटी दे दूंगी। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक